दवा को मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि स्विस फार्मा कंपनी रोशे की एंटीबॉडी कॉकटेल को मंजूरी मिली है। एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कोरोना इलाज में किया जाता है। और आप देखिए, एक और स्विस फार्मा कंपनी रोशे की एंटीबॉडी कॉकटेल, जिस दवा को मंजूरी भारतीय बाजार में भी मिल गई है, और जिस तरह से इसके रिजल्ट रहे हैं, जो नमूने जांचे गए, जिस तरीके का रिकवरी रेट इस दवा की वजह से है, उन तमाम चीजों को आधार बनाते हुए भारत में इसको मंजूरी दी गई है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अविनाश जगनावत उदयपुर में मौजूद हैं, इसके अलावा जयपुर में अंकित तिवारी हैं। लेकिन अविनाश जगनावत, सबसे पहले आपके पास आएंगे, उदयपुर की जहां तक बात है, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, रोजाना आप कहीं ना कहीं आंकड़ों के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। आज क्या कहता है उदयपुर का आंकड़ा? और एक सुखद खबर पूरे प्रदेश के भीतर ये है कि अब रिकवरी रेट कम से कम बढ़ गया है संक्रमितों के अनुपात में, तो ये कम से कम एक अच्छा संकेत।